तो गाइस जो रेनो की तरफ से जो गाड़ी आती है अरकाना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा बिकती है, मतलब काफ़ी फेमस गाड़ी है और इसके अंदर काफ़ी सारे आपको वेरिएंट मिल जाते हैं। इंडिया के अंदर गाइस ये टेस्ट करते हुए मिली है, तो होपफुली मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर भी लॉन्च हो सकती है। और अगर ये लॉन्च होगी तो ये राइवल करेगी जो हेक्टर हो गया या फिर अपनी सफारी हो गई या फिर जीप कंपस हो गई। तो थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में होने वाली है, 15 से 25 लाख के बीच के अंदर ये गाड़ी आएगी अगर बाय चांस ये लॉन्च भी करते हैं तो। और अगर हम पावर और इंजन की स्पेसिफिकेशन की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे वेरिएंट के साथ में मिलती है, बट मुझे लग रहा है इंडिया के अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.3 लीटर का कोई पेट्रोल इंजन या फिर वैसा ही कुछ 1 लीटर का टर्बो चार्ज या फिर ऐसा कुछ तो भी ला सकते हैं। क्योंकि देखने में रहेगा कि ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च होती है या नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर टेस्टिंग तो हो रही है, बट वी नेवर नो, अगर टेस्टिंग फेल हो जाती है तो इंडिया में काफ़ी गाड़ियाँ टेस्ट होती है बट लॉन्च नहीं होती है। तो ये देखने के लिए रहेगा कि रेनो इस गाड़ी को लॉन्च करती है कि नहीं। बट स्टाइलिंग वगैरह की अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया दिखने में है, काफ़ी अच्छा एक SUV स्टांस है और काफ़ी एक यूनिक डिज़ाइन के साथ में आती है और प्रॉपरली आपको एक मॉडर्न फीचर्स वगैरह भी प्रोवाइड करती है।